ये है क्रिश, और जब हम पहली बार मिले थे तब इसकी जंप कुछ ऐसी थी। इसने बहुत ही लंबा रनअप लिया था, 16-17 स्टेप्स का रनअप लिया था, और टेक ऑफ बोर्ड के पास में आके काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे इसके स्टेप्स, और टेक ऑफ ठीक ठाक था, मतलब काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, और हवा में भी कोई फ्लाइट की टेक्निक यूज नहीं की थी, और लैंडिंग भी कुछ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब इसकी जंप को इम्प्रूव करने में सबसे पहला स्टेप था कि हम इसके रनअप को बेटर करें। अब रनअप को इम्प्रूव करने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना था, इसकी स्पीड इम्प्रूव करनी थी और टेक्निक को भी बेटर करना था। जब इसने पहली बार मेरे सामने जंप करी थी तब इसकी जंप थी 5 मीटर। जब हमने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया तब कुछ रेपिटेशंस में मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे 30 मीटर जब हम लगाते थे तो इसका टाइम 4.20 सेकंड्स आता था, जो कि एक अच्छा टाइम है बिगिनर के हिसाब से। मेरा खुद का टाइम 4.2-4.3 के आसपास आता था, और इतनी स्पीड से जब मैं 7 मीटर जंप कर सकता था तो इसकी स्पीड तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसे में इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल था अपनी जंप को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी स्पीड अच्छी थी लेकिन जो इसकी टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जैसे यहाँ पे 30 मीटर ये लगा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इसका पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है तब ये हिप से काफी ज्यादा आगे कांटेक्ट में आ रहा है, और जो दूसरा पैर है ये पहले वाले पैर से पीछे है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी अपर बॉडी भी आगे की तरफ काफी ज्यादा झुकी हुई है। इसकी टेक्निक में बहुत सारी चीजें खराब थी और उनको जल्दी ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं था। अब इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा खराब इसलिए थी क्योंकि ये 1600 मीटर की तैयारी करता था आर्मी के लिए, और उसमें हमें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना था, और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने लगते हैं तो उसमें हमारे जो स्प्रिंट के मैकेनिक्स है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, हमारा पैर काफी ज्यादा पीछे लैग करने लगता हमारी बॉडी के, और इस वजह से इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा खराब थी और उसे उतने जल्दी ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक है वो एक दिन में खराब नहीं हो, काफी टाइम के बाद खराब हुई है, मतलब जब वो रोज रनिंग कर रहा था खराब टेक्निक के साथ। तो ऐसे में जो खराब टेक्निक है वो उसकी डिफॉल्ट टेक्निक हो चुकी है, अब उसको रीसेट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। उसके लिए हम ड्रिल्स कर सकते हैं लेकिन काफी माइंडफुल रह के हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसे में तभी जाके हमारी जो टेक्निक है वो इम्प्रूव हो पाएगी। अब दूसरा स्टेप था इसका टेक ऑफ इम्प्रूव करना, उसके लिए हम छोटे रनअप से लंबे रनअप तक जाएंगे और टेक ऑफ की टेक्निक को छोटे रनअप में इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे रनअप की लेंथ बढ़ाएंगे ताकि वो स्पीड में भी अच्छे से टेक ऑफ कर पाए। अब टेक ऑफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक ड्रिल्स करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि वॉकिंग टेक ऑफ हो गया, वन स्टेप टेक ऑफ हो गया, और भी बहुत सारी ड्रिल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप ही टेक ऑफ हो गए, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप फ्लाइट, तो ऐसी 5-6 टेक ऑफ की ड्रिल्स है जो मैं करता हूँ। अब क्रेश का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा खराब था स्टार्टिंग में, मतलब वह बोलता था ये वाली ड्रिल करो तो वो भूल जाता था, कोई और ड्रिल करने लगता था, काफी कंफ्यूजन रहता था ये सब ड्रिल्स करने में, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया टेक ऑफ की सही टेक्निक को सीखने में। जैसे यहाँ पे ये वन स्टेप टेक ऑफ कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेक ऑफ करने के बाद अपने नी को काफी ज्यादा मोड़ रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि टेक ऑफ के बाद में जिस पैर से हमने टेक ऑफ किया है उस पैर को हम लोग कुछ टाइम तक स्ट्रेट होल्ड करें, लेकिन ये टेक ऑफ के तुरंत बाद अपने पैर को मोड़ लेता है। और जब छोटे रनअप से टेक ऑफ कर रहे थे तब ये अपने आर्म्स को यूज ही नहीं कर रहा था, सिर्फ पैर से टेक ऑफ करता था और हाथ को एक ही जगह पे छोड़ देता था। फिर काफी दिनों तक हमने टेक ऑफ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि सही तरीके से हम टेक ऑफ कैसे कर सकते हैं, और काउंटलेस नंबर ऑफ टेक ऑफ ड्रिल्स करने के बाद उसका टेक ऑफ थोड़ा बहुत एफिशिएंट हो गया और वो 5 मीटर से फ्लाइट में ही कर पा रहा था। अभी जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये जंप नहीं करेगा, ये सिर्फ दौड़ के आया और इसने सिर्फ फ्लाइट करके छोड़ दिया हवा में, फिर भी इसका जो पहला पैर है वो 5 मीटर पे आ गया और जो दूसरा पैर है वो 6.5 मीटर के आसपास आया, और जहां पे हमारा जो ये दूसरा पैर आता है फ्लाइट के टाइम पे लगभग उसके पास हमारी जो फुल रनअप से जंप है वो आ सकती है। तो अब टेक ऑफ थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था, इसके बाद हमें फ्लाइट और लैंडिंग पे ध्यान देना था। फिर हमने हिचकिक सीखना स्टार्ट कर दिया और ये 1-2 हफ्ते में हिचकिक करना सीख गया था अच्छे से। हमने स्टार्टिंग में कुछ ड्रिल्स करी थी हिचकिक वाली, और जो ये हिचकिक की ड्रिल्स है इन पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो 1-2 हफ्ते के बाद में क्रेश कुछ इस तरीके से साइकिलिंग कर पा रहा था, लेकिन इसमें उसकी जो लैंडिंग है वो काफी ज्यादा खराब थी। अब उसकी लैंडिंग को भी सही करना था। अब लैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर दी थी। उन एक्सरसाइजेस की वीडियो तो नहीं है लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी जिनको करके इसके हिप फ्लेक्सर्स थोड़े बहुत स्ट्रांग हो गए थे। अब जब मसल स्ट्रेंथन हो चुकी थी उसके बाद हमें सही टेक्निक को सीखना था। सबसे पहली ड्रिल थी स्टैंडिंग टो टच जंप, इसमें जंप करके हमें हमारे टो को टच करना रहता है। मैं इसे बोल के थक गया कि हमें हमारे पैरों को जमीन के पैरेलल लाना है। इसके पैर स्ट्रेट रहते थे वो अच्छी बात है, लेकिन ये उतना ज्यादा ऊपर उठा नहीं पा रहा था, उस पर भी हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा। अगली एक्सरसाइज जो हमने करी थी वो थी नीलिंग टू स्क्वाट टू बॉक्स जंप, इसमें हमें क्या करना रहता है, हमें घुटने पर बैठना रहता है, फिर इसी पोजिशन से हमें जंप करना रहता है और एक स्क्वाट की पोजिशन में आना रहता है, फिर यहीं से फिर से एक बॉक्स जंप करना रहता है। ये एक्सरसाइज आपके हिप फ्लेक्सर्स की स्पीड को इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें जैसे आप देख सकते हो कि इस पोजीशन पे ये क्रिश है, अब यहां से जब ये जंप करेगा तो इसे कोशिश करना है कि अपने पैरों को ऊपर जल्दी से उठा पाए, और इसमें जो हमारे हिप फ्लेक्सर्स की मसल रहती है वो काफी ज्यादा यूज होती है। तो ये सब एक्सरसाइजेस करने से उसके हिप फ्लेक्सर्स में पावर और स्पीड आ चुकी थी। अब अगली एक्सरसाइज थी सिटिंग लैंडिंग ड्रिल, तो यहाँ पे ये अमन भी कर रहा है वर्कआउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमन कितने ज्यादा अच्छे से कर रहा है ये वाली ड्रिल को, लेकिन वहीं पे अगर हम क्रिश को देखेंगे तो क्रिश अपने पैरों को उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहा है। यहाँ पे अगर हम फिर से स्लो मोशन में देखेंगे तो अमन के पैर इतने ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहीं पे अगर क्रिश को देखेंगे तो
इसके पैर इस पोजीशन तक ही उठे और फिर वो नीचे चले गए। अब ऐसे में मुझे क्यू एकदम से याद आ गया, तो फिर मैंने उसे ये एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं कि वो इस पोजीशन पे बैठा है और उसे ये इमेजिन करना है कि उसके जो टो है टो के ऊपर एक फुटबॉल रखिए और उसको फुटबॉल को अपने बॉडी के पीछे इस तरीके से फेंकना है। मतलब उसे कोशिश करना है कि इस फुटबॉल को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक पाए अपने बॉडी के पीछे। तो ये सुन के उसे समझ में आ गया कि उसे क्या चीज करनी होगी ताकि ये बॉल ऊपर चली जाए। तो ऐसा इमेजिन करके जब उसने ये ड्रिल को करा तो ये काफी ज्यादा अच्छे से कर पा रहा था। इसके बाद हमें इसी ड्रिल को टायर पे करना था, मतलब ये टायर पे बैठा है और इसे फिर से वही ड्रिल करना है और जैसे ही इसके पैर जमीन पे टच होंगे इसे अपने हिप्स को नीचे ड्रैग करके लेके आना है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत हो रही थी कि ये अपने हिप को काफी ज्यादा नीचे पुश कर रहा है। हमें कोशिश करने की हम हमारे हिप्स को स्लाइड करके लेके जाएं आगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने 2-3 स्टेप का रन अप लेके लैंडिंग की ड्रिल करी थी। इसमें पहले से काफी ज्यादा बेटर कर पा रहा था। अगर हम इसके पहले की वीडियो देखें तो उसमें आप देख सकते हो कि लैंडिंग के बाद इसका एक पैर आगे जा रहा है, एक पैर कहीं और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इसके दोनों पैर साथ में थे और हिप भी ठीक ठाक पोजीशन में था। हमें कोशिश करने की हम हिप को आगे ज्यादा ड्रैग करें, लेकिन ये छोटा रन अप था तो इसलिए स्पीड नहीं थी उतनी, इसलिए उतने ज्यादा अच्छे से ड्रैग नहीं कर पा रहा था। अब अगला स्टेप था कि हम सब चीजों को एक साथ लेके आए, मतलब हमें रन अप, टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग सब चीजों की एक साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने साइकिलिंग के साथ में लैंडिंग को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में क्रिश की जंप कुछ ऐसी हो गई। इस वीडियो में क्रिश ने 5.70 मीटर जंप किया था सिर्फ 11 स्टेप के रन अप को यूज करके। और अभी क्रिश अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स खेलने के लिए गया था, वहां पे उसने 6.30 मीटर जंप किया था सिर्फ 13 स्टेप्स के रन अप को यूज करके। अभी भी क्रिश के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है, वो 6.5 मीटर से ज्यादा जंप कर सकता है इसी टेक्निक और इतनी स्पीड से, बस उसे टेक ऑफ पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब क्रिश के टेक ऑफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसकी पावर पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए अभी हम वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्रिश वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, हमारे पास अभी तक लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जैसे कि मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया, प्लायोमेट्रिक्स हो गया, सिर्फ इन्हीं चीजों पे वो डिपेंडेंट था अपनी पावर को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अब जब हम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तब उसके बॉडी वेट टू पावर रेशियो पे हम ध्यान देंगे, तो ऐसे में उसका टेक ऑफ और ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है और जंप भी इम्प्रूव होगी। अब जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं अगर आपको पसंद आती है तो फिर इन्हें लाइक कर दिया करो और अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।